So today we are going to cover the other strategies जो हम CBT में बात कर रहे थे, imagery techniques हो गई थी, cognitive techniques थी, behavioral techniques थी. Now we are talking about other strategies. इसमें जो है सबसे पहली problem solving, ये बहुत important है क्योंकि पूरी life ये काम आने वाली चीज़ है. ऐसी कोई लाइफ है ही नहीं, प्रॉब्ली ऐसा कोई दिन भी नहीं है जब हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करते हैं. प्रॉब्लम छोटी बड़ी हो सकती है, बट वी सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक क्या है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो वो अगर एक बार आपने उसको एक ऐसे मेथड सिखा दिया तो कोई भी नई प्रॉब्लम आएगी उसमें वो रास्ता निकाल लेगा. और मेथड यही होता है, सबसे पहला होता है यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली इज. तो प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद में जो है उसमें जो है एक इनिशियल स्टेट होगी जो अभी हमारी स्टेट है, एक गोल स्टेट होगी. तो इसका जो गैप है वो प्रॉब्लम है, और इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट के बीच का जो गैप है इसको कवर करने के लिए देयर विल बी सम रूल्स, कोई ना कोई रूल होगा जरूर. तो रूल फॉलो करते हुए जो है हमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचना है. तो उसके लिए सबसे पहले जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो पहले हम लिस्ट करते हैं. अभी ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि वो कौन सा अच्छा कौन सा वगैरह, वी जस्ट लिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिट. फिर हम एक एक करके सभी जो सॉल्यूशंस हमने लिस्ट किए हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिस्ट करेंगे. क्या फ़ायदा होगा ऐसे करने में, ना करने में क्या फ़ायदा होगा, करने में क्या नुकसान है, ना करने में क्या नुकसान है, ऐसे करते हैं. फिर उसके हिसाब से जो बेस्ट जो स्ट्रेटजी होगी वॉट एवर दैट मे बी, उसको सेलेक्ट करेंगे. कोई एक तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर वो सेलेक्ट करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस स्ट्रेटजी को. इम्प्लीमेंट करने के बाद वी विल चेक बैक, इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया उससे प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई. तो जो हमने हमारी इनिशियल स्टेट थी उससे हम गोल स्टेट के नज़दीक गए या नहीं गए. If we have reached the goal state, problem is solved. हो सकता है कि goal state तक ना पहुँचे लेकिन आगे तक तो गए हैं. तो आगे गए तो इसमें कुछ तो काम कर रही है और कुछ तो problem जरूर अभी है उसमें, बाकी जो नहीं हो पा रही सॉल्व पूरी तरह से. Then we again go to the entire process again, initial state, goal state, rules, all the possible solutions, select one solution, implement and then evaluate. ये cycle goes on till the problem is solved. Then is activity scheduling. तो उसको इंडिविजुअल को जो है किस टाइम में क्या काम करना है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है. कि अगर मान लो उसका जो है कोई अपना स्केड्यूल ही नहीं है लाइफ में, कोई भी काम जब मर्जी कर रहा है, जब मर्जी सो रहा है, जब मर्जी खा रहा है, तो फिर वो चलेगा नहीं. तो उसको कौन सी एक्टिविटी कब करनी है इंक्लूडिंग जो हम होमवर्क उसको देंगे, वो जो है उसको शेड्यूल करना होता है. उससे जो है एक लाइफ में जो है उसको कंट्रोल फील होता है. फिर देन इज स्किल ट्रेनिंग. तो ये मैं पहले भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बता चुका हूँ कि हर प्रॉब्लम में, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, उसमें जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स और जो सोशल स्किल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. ये तो हर जगह अफेक्टेड होते ही होते हैं. जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी इन दोनों पर असर आएगा ही आएगा. तो बॉडी एंड माइंड विल नॉट बी रिलैक्स्ड और रिलेशनशिप विद पीपल विल डिटीरियरेट. तो ये दोनों जो स्किल्स जो हर थेरेपी में काम आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं. देन नेक्स्ट इज री एजुकेशन. री एजुकेशन में क्या हो रहा होता है कि उसको दोबारा से जो उसके स्कीमा हैं, जो उसके फॉल्टी बिलीफ्स हैं, वो जो है उसके बारे में उसको री एजुकेट करना होता है कि भाई ये जो तुम्हारे ये स्कीमा हैं ये वर्क नहीं करेंगे, इसकी जगह तुम्हें यह कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करके नए स्कीमा जो है एस्टेब्लिश करने होंगे. जैसे बच्चों को जो है पेरेंट्स जो है हमेशा कंट्रोल करते हैं, पैदा होते ही सब कुछ डिसाइड करने लगते हैं, क्या खाएगा, कब खाएगा, कितना खाएगा वगैरह. तो अगर जो है ये बड़े होने तक भी वो रखेंगे तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बच्चे जो है दे आर नॉट गोइंग टू लिसन आफ्टर सर्टेन एज. तो उसको जो है रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है कि अब बच्चे जो है बड़े हो गए हैं, नाउ देर आर सर्टेन एक्टिविटीज इन विच यू जस्ट कैन नॉट फोर्स देम टू डू सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू गिव देम लिबर्टी. तो ये जो है
इस तरह से उसको री एजुकेशन करना होता है कि हाँ तुम्हारा कंट्रोल तो रहेगा बच्चों पे, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स पे नहीं रहेगा, इन इन चीजों पे रहेगा। सो ये जो है इस तरह से होता है। और उसके लिए एक और भी चीज करते हैं, उसे कहते हैं कि देयर समथिंग कॉल्ड बिब्लियोथेरेपी। बिब्लियोथेरेपी में क्या होता है, इस टाइप की बुक्स वगैरह पढ़ने को उसको बोला जाता है कि जो उसको सेल्फ हेल्प करें या उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को चेंज करें या मोटिवेट करें। इस सीबीटी में मोटिवेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर मोटिवेटेड इंडिविजुअल नहीं है तो सीबीटी हो ही नहीं सकती है। तो इसी तरह से रीडिंग को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया सकता है। फिर नेक्स्ट इज टेप रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरव्यू। अब सारी बातें जो है हमेशा इंडिविजुअल को याद रहे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर जो है इंटरव्यू की टेप रिकॉर्डिंग जो है क्लाइंट को दी जाए तो उससे क्या होगा, वो अपने टाइम में जो है उसको रिप्ले करके ध्यान से सुनेगा। हो सकता है कि जब हम कोई बात उसको कह रहे हैं उसका ध्यान भटक गया, उसको उसने ध्यान ही ना दिया, और हमें लग रहा है कि बड़े ध्यान से सुन रहा है, बट द पर्सन इज मेंटली समवेयर एल्स। तो वो टेप रिकॉर्डिंग करने से जो है वो उसको दोबारा से बार बार सुन सकता है और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है उसको कैच कर सकता है। तो इंट्रोस्पेक्शन तभी कर पाएगा वो, अगर वो ध्यान से बार बार सुनेगा। था और एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सीबीटी में जो है एक स्ट्रेटेजी होती है होमवर्क की होती है, एक्टिविटी शेड्यूलिंग के टाइम में मैंने बोला था। तो ये होमवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीबीटी का। तो वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, उसको कुछ भी हो सकता है। जैसे उसको अभी मैंने बताया था बिब्लियोथेरेपी, रीडिंग के लिए भी बोल सकते हैं, सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेस भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला था कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग से जो है अपने थॉट्स को मॉनिटर करेगा और रिकॉर्ड करेगा। फिर जो हमने ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी उसमें कुछ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कि उसको बोला जाए अच्छा ये एक्सपीरियंस करना तुम जाके घर, कि आज जाके जो है ये कपड़े पहन के बाहर जाना, देखना कि कितने लोग हंसते हैं जरा बताना। तो ये इस तरह से उसको एक्सपीरियंस भी कराई जाती हैं चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे सीबीटी में जो ट्रेनिंग सेशन है और जो सेशन है थेरेपी सेशन है उसको एज ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है। तो जो चीज़ें रियल लाइफ में करनी होती हैं वही चीज़ें जो है उससे ट्रेनिंग सेशन में करवाई जा रही होती हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर तो जब वो यहाँ पे जो है सीख जाता है फिर उसको बुलाता है ठीक है अब तुम जाके रियल लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। तो दीज आर द अदर स्ट्रेटजीज। नाउ नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन ऑफ सीबीटी। तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में जो है लागू होती है सीबीटी। डिप्रेशन में भी होती है, एंग्जाइटी, ओसीडी, एगोराफोबिया, गैड, पीटीएसडी, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्शन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सेक्सुअल डिसफंक्शन। हाँ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन वाली बात बोल रहा हूँ मैं, हमेशा कोई भी जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है डायग्नोसिस से पहले अदर पॉसिबल फंक्शन जो पॉसिबल रीजन्स हैं विच कुड बी मेडिकल रीजन्स, एनवायरमेंटल रीजन्स, उनको जो है रूल आउट करना ज़रूरी होता है। अगर वो रूल आउट किए बिना हम सीधे जो है साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट पे पहुंच गए तो हमको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन कुड बी ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजन्स, जैसे मेल के केस में हो सकता है कि उसकी जो है कोई वेन या आर्टरी जो है उसमें डिसफंक्शन हो, उससे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, या ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन रिटेन नहीं हो रहा है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको होगा। अगर हम उसको स्ट्रेट अवे इरेक्टाइल डिसफंक्शन अच्छा साइकोजेनिक है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें थेरेपी काम ही नहीं करेगी। लाइकवाइज जो है नेक्स्ट एंगर मैनेजमेंट दिया है, इसमें भी यही है कि एंगर आता है ठीक है उसको हम थेरेपी देंगे, लेकिन एंगर आने का रीजन अगर ये है कि उसको हाई बीपी रहता है तो फिर आप कितनी भी थेरेपी दे लो उससे कोई फायदा नहीं होना। तो जो बायोलॉजिकल रीजन्स है उनको रूल आउट करना होता है। फिर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स, एंटी सोशल बिहेवियर। हाँ एंटी सोशल बिहेवियर में हमको ये भी देखना होगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। तो अगर वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो फिर वो लंबा चलेगा और डिफरेंट होगा, और केवल रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है पहले कभी नहीं था तो फिर डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी। फिर अगेन जैसे जेलेसी की बात करें तो जेलेसी हमेशा खराब चीज़ नहीं होती है। जेलेसी इन ए लिमिटेड मैनर कैन बी वेरी हेल्दी। तो जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में बात करें, अगर जो है हस्बैंड या वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसका जो स्पाउस है वो किसके साथ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है,
द पर्सन इज नेवर इंक्वायरिंग, तो उसको दूसरे को फील होगा कि द पर्सन नेवर केयर्स अबाउट मी। तो इसलिए जो है हमें वो भी देखना होगा कि हर इमोशन की अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है, और वो फंक्शनैलिटी अगर फुलफिल कर रहा है वो इमोशन, चाहे वो कोई भी इमोशन है, अगर वो फंक्शनैलिटी फुलफिल कर रहा है तब तक तो ठीक है, और वो जब डिसफंक्शनल बना रहा है चीज़ों को, देन जो है वो एक डिसऑर्डर हो जाता है। देन सेक्सुअल अब्यूज रिकवरी, इसमें जो है अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट्स जो होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ वाले, वो समहाउ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने लग जाते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस वजह से मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। अलग अलग लॉजिक वो देंगे लेकिन वो करते हैं, ये अक्सर मैंने देखा है सेक्सुअल अब्यूज़ वाले केस में। तो वो उनको जो है CBT के जरिए जो है उनको जो गिल्ट वाली फीलिंग है कि दे डिड नॉट डू इनफ, उससे जो है रिकवर कर रहा था। और भी रीज़न हो सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मैंने बताई दिया, इसमें भी होता है लेकिन लंबा चलेगा, इसमें छोटा नहीं चलेगा। एंड देन मेंटेनेंस के लिए बीच में बार बार बुलाना पड़ेगा। फिर एडजस्टमेंट टू क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर, जो कुछ लोग होते हैं वो इस बात से अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाते हैं कि भाई अब ये बीमारी मुझे हो गई है तो अभी हमेशा रहेगी, आई हैव टू डील विद इट। जैसे डायबिटीज हुई, अगर किसी को Type 1 diabetes है तो अब जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने हैं, अब इसको जो है मेंटली अपने आप को समझाना पड़ेगा, ये आई हैव टू लिव विद दिस। और क्रॉनिक हेल्थ रिलेटेड से जो भी और प्रॉब्लम्स होंगी आगे वो मुझे स्वीकार करनी होंगी, वो अगर नहीं करेगा तो कैसे होगा। फिजिकल डिसेबिलिटी, मान लो एक्सीडेंट वगैरह में किसी का कोई बॉडी पार्ट जो है लूज कर दिया है, तो ठीक है नाउ यू हैव टू लिव विदाउट इट, वो भी जो है CBT के जरिए होगा। फिर देन कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेंटल डिसऑर्डर्स के केस में लैप्स और रिलैप्स ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, दे आर नॉट लैप्स और रिलैप्स होना कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो रूल है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लैप्स या रिलैप्स होता है। देन लाइकवाइज पेन मैनेजमेंट में भी यही है, जनरल स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाइल्ड और एडोलेसेंट बिहेवियर डिसऑर्डर एंड रिलेशनशिप एंड फैमिली प्रॉब्लम, इन सब में जो है CBT यूज होती है। तो इसको जो CBT को जो है ग्रुप वर्क में भी किया जा सकता है, ये भी है, जैसे कि हम कपल काउंसलिंग कर रहे हैं, कपल थेरेपी, तो हम कई सारे कपल्स को एक साथ बिठाकर भी CBT कर सकते हैं, अलग अलग भी करेंगे और साथ में भी करेंगे, जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो साथ में कर देंगे, जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होंगे वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं उनसे, जो सबके सामने डिस्कस ना करना चाहें। सो ये भी है कि CBT कैन बी डन ग्रुप ऑल्सो। अब कुछ लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, लिमिटेशंस मतलब कि भाई इन केसेस में CBT नहीं हो सकती, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया कि इन केसेस में नहीं करनी चाहिए, बात वही है दोनों ही केसेस में CBT नहीं होगी। तो पहला क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि भाई कॉग्निटिव थेरेपी का कोई लिमिट्स है कि इसके बियॉन्ड जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मीन्स मोर और लेस ऊपर हमने लंबी जो लिस्ट पढ़ी, ऑलमोस्ट सभी डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है अपेरेंट हैं कि वो नहीं, उस केसेस में CBT कॉग्निटिव थेरेपीज नहीं हो सकती। सबसे पहली बात जो ऊपर मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि पेशेंट में मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है CBT में, मोटिवेशन नहीं है तो CBT हो ही नहीं सकती है। तो अगर जिस पेशेंट में लो मोटिवेशन है तो फिर उसमें जो है कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो नहीं हो सकती है, यानी कि नहीं करनी चाहिए। कर तो सकते हो लेकिन होगा नहीं कोई फ़ायदा, जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये है सबसे पहला। फिर ख़ास तौर से अगर पेशेंट को ये लग रहा है कि अगर मैंने थेरेपिस्ट की बात मानी तो मुझे जो है कोई बहुत एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा फास्ट रखने की आदत है, रिलीजियस टाइप का इंसान है, और वो ज़्यादा फास्ट रखने की वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है ईटिंग डिसऑर्डर वीकेंड से, तो आप उसको कितना भी समझा लो उसको ये लगेगा कि अगर मैंने इनकी बात मानी तो फिर मैं फास्ट नहीं करूँगा, फिर भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब उसको ऐसा लगेगा कि हमारी बात मानने का, यानी कि थेरेपिस्ट की बात मानने का
एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो वो क्यों कंप्लाई करेगा अटेंड नहीं करेगा। तो हमको ये भी देखना होगा, मोटिवेशन लो नहीं होना चाहिए और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी बात मानने से उसको कोई निगेटिव या एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होगा। दूसरा उल्टा ये भी हो सकता है कि कई पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं उनको जो है जो भी उनका डिसफंक्शनल आस्पेक्ट है उसके बारे में पॉजिटिव बिलीफ हो, तो वहाँ पर भी जो है ये चीज़ नहीं हो सकती है। जैसे डिल्यूजन्स की बात करें, सो जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है उसमें इंडिविजुअल को मान लो कि ये है कि उसको सबके दिमाग की बातें पता लग जाती हैं, वो सबके माइंड को रीड कर सकता है। तो अब उसको डिल्यूजन ये है तो इनसाइट तो है नहीं उसको, तो वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छा मान रहा होगा कि हाँ मैं सबके दिमाग की बातें पढ़ लेता हूँ, तो वाई दैट पर्सन विल लाइक टू गो थ्रू CBT, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी देखना है कि अगर किसी को अपने डिसफंक्शनल बिलीफ या आस्पेक्ट के बारे में पॉजिटिव बिलीफ है उसको भी कॉग्निटिव थेरेपी नहीं कर सकते। तीसरा है कि अगर कोई सीवियरली रिटार्डेड इंडिविजुअल है, उसका मेंटल लेवल है ही नहीं इतना कि लॉजिकल बातें वो समझ पाए, तो फिर उसको CBT हम कैसे देंगे, दे ही नहीं सकते हैं। तो जो इसकी रीजनिंग फैकल्टी जो है जिनकी नहीं है, या जो क्योंकि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में रीजनिंग का तो इस्तेमाल हो गई होगा और रीजनिंग वो कर नहीं सकता है, तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होगी कैसे, हो ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो जो बिहेवियरल मेथड्स हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। फिर एक एग्जांपल इन्होंने साइकोपैथ्स का दिया है, कि जो साइकोपैथ हैं उनके साथ में अगर हम कोई गोल डायरेक्टेड टास्क करेंगे तो जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है, मतलब गोल के अलावा जो आसपास जो बातें हो रही हैं या चीज़ें हो रही हैं, वो उनको जो है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, उनको ध्यान नहीं दे पाएंगे और चीज़ें क्या चल रही हैं। सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता साइकोपैथ में, बिल्कुल नहीं होता, और CBT में सेल्फ रेगुलेशन चाहिए चाहिए, है ना। तो ये इस टाइप के जो है लोग सूटेबल नहीं होते कॉग्निटिव थेरेपी के लिए। फिर कल्चरल डिफरेंसेस की भी बात होती है, कि ये पॉसिबल है कि जो थेरेपिस्ट है थेरेपिस्ट का कल्चर अलग हो और जो क्लाइंट का कल्चर अलग हो, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हम जो चीज़ जो है उसको समझा रहे हैं वो उसी कल्चर के अगेंस्ट में हो, तो इंडिविजुअल जो है बिल्कुल मानेगा ही नहीं, है ना। अगर कोई जो है रीबर्थ में बिलीव करता है और हम उसको बोले कि नहीं रीबर्थ कुछ होता ही नहीं है क्योंकि थेरेपिस्ट का कल्चर ऐसा है उसमें रीबर्थ होता ही नहीं है, तो कितना भी समझा ले उस क्लाइंट को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उल्टा भी हो सकता है कि थेरेपिस्ट जो है वो रीबर्थ में बिलीव करता हो और क्लाइंट रीबर्थ में बिलीव ना करता हो, तो भी वो अपनी बात नहीं समझा पाएगा थेरेपिस्ट। सो कल्चरल डिफरेंस का भी इम्पैक्ट होता है। एक चीज़ जो इसमें नहीं दी है बट मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी है, कि जो लिमिटेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली बात है, कि जो इंडिविजुअल आया है थेरेपी के लिए अगर उसका IQ लेवल लॉजिकल फैकल्टी थेरेपिस्ट से हायर लेवल पे है तो मेरे हिसाब से थेरेपिस्ट को उसकी CBT नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लॉजिक से बेटर लॉजिक तुमको देना पड़ेगा और उसके लॉजिक्स अगर तुम्हारे लॉजिक से बेटर हैं तो फिर जो है तुम उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे कि उसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। वो तो उल्टा आपसे कहेगा कि आपके लॉजिक में ये फॉल्ट है, मेरा लॉजिक बेटर है क्योंकि उसके IQ हाई है तो उसके लॉजिक बेटर होंगे। तो ये भी देखना होता है कि बहुत हाई IQ वाला अगर कोई ऐसा क्लाइंट है और थेरेपिस्ट ये देख रहा है कि उसको लॉजिकली उससे सुपीरियर है, वहाँ पर भी मेरे हिसाब से CBT अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, अनलेस कि कोई ऐसा डिसफंक्शनल बिलीफ है जो वेरी क्लियरली इट इज़ एविडेंट कि भाई ये तो फॉल्ट है और उसको कन्विंस किया सकता है, वो तो बात अलग है। अदरवाइज जो है करना एक ये पॉसिबिलिटी है कि उल्टा थेरेपिस्ट को ही बात को काट दे। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ये हो गया है।